चूहों को दोस्तों बिना मारे भगाने का रामबाण तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है आपको इस टाइप का वीडियो पूरे यूट्यूब पर मिले। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, इसकी स्मेल से ना एक एक चूहा दोस्तों तुरंत बाहर भागेगा। चूहे जब कपड़ों को काटते हैं ना और खाना बना करके रख दिया, खाने को ख़राब करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। एक एक चूहा आपके सामने ही भागता हुआ नज़र आएगा। यही नहीं दोस्तों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना वो भी बाहर भागेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी टिप्स मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब तक की सबसे मस्त वीडियो होगी ये कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। गर्मी का सीज़न है दोस्तों, चूहे बहुत ज़्यादा रात को परेशान करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो गाड़ी के ना वायर को काट जाते हैं, गाड़ी को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। नए कपड़े ला करके रख दिए, हम कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो कपड़ों को ख़राब कर जाते हैं, ठीक है। या घर में किसी भी प्रकार की मतलब गंदगी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा पोटी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल मारती है, तो चूहों को बिना मारे ही दोस्तों भगा सकते हैं। आपको मारने की ज़रूरत नहीं है उनको, आप सेकेंडों में दोस्तों भगा सकते हैं। मस्त वीडियो होने वाला, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो देखिए इसके लिए ना आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए कॉटन, और यहाँ पे देखिए ये ढक्कन में हम लेने वाले हैं केमिकल। तो देखिए आप ये ना सोचेंगे ये बिसलेरी का पानी है, ये बिसलेरी का बोतल में इस केमिकल को रखा है, और ये केमिकल है दोस्तों तारपीन का तेल, ठीक है। किस तरह से आपको करना क्या है दोस्तों, चाहे तो आप इसी टाइप की किसी बोतल में ना ढक्कन में छेद कर लें चार पांच छोटे छोटे, और आप स्प्रे कर दें घर के कोने कोने में, तो भी दोस्तों इसकी स्मेल से भाग बाहर भाग जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि घर में जैसे टाइल लगा हुआ है, फर्श लगा हुआ है, और हम इसको स्प्रे करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, दाग लगते हैं, चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीका ना कॉटन लेना है आपको, चाहे रुई हो, घर में रुई होती है, इस तरीका से आपको भिगो करके दोस्तों इसको चारों कोने में रख देना है। जहाँ बिल है ना, बिल के इसके पास में रख दें, बिल से तुरंत बाहर दोस्तों चूहा बाहर भागेगा तुरंत ही दोस्तों। जैसे गाड़ियाँ आप खड़ी करते हैं, आपको डर लगता है कि वायर को ना काट दें, तो कॉटन में भिगो करके आप दोस्तों गाड़ी के इंजन के आसपास आजू बाजू में इसको रख सकते हैं। इस तरीका से दोस्तों आप घर के चूहों को बिना मारे ही भगा सकते हैं। रामबाण तरीका है, तारपीन का तेल लाना है आपको, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये नुस्खा है घर के चूहों को बिना मारे भगाने का। तो मारने की चूहों को ज़रूरत नहीं है, तुरंत दोस्तों बाहर भागेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ऐसी और भी आगे टिप्स मैं लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।